कैसे हो बबुआ? कोई भूत समझता है, कोई भगवान मानता है, पर है तो तू चूहा, बिल में छुपने वाला एक मामूली सा चूहा। हम रतन या कालीचरण हूं जो हम तक इतनी आसानी से पहुंच जाता। हम तो ये बुद्धिमान समझता था, पर तुम तो हमरे जाल में आसानी से फंस गए। जाल में मैं फंस क्या? स्पीक लाउडा, हमारे कान बूढ़े हो चुके हैं। मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। बिना किसी को बताए चुपचाप केरला के लिए निकल जाओ। ऐसा अचानक? अरे कोई वजह तो होगा। वनमाली के गुंडे हमें शहर की हर गली नुक्कड़ पर कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। हाँ। यहाँ से बाहर कदम रखते ही वो तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ। और सीधा वनमाली के पास ले जाएंगे। हाँ। और टॉर्चर करके पूछेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। अपन जान ले ले तो भी मुंह नहीं खोलेगा। पूरी बात तो सुन लो। हाँ? तुम्हें मेरा एड्रेस बताना है, समझ? फिर वो अपने चमचों को भेजकर मुझे यहाँ से उठवा लेगा। हाँ। फिर वो खुद मेरे सामने आएगा। वैसे भी उसके पैर कब्र में लटके ही हैं, मैं उसे पूरा लेटा दूंगा। खुद के मरने पे इंसान को कौनो तकलीफ नहीं होती विजय कुमार, लेकिन किसी अपने को खरोंच भी आ जाए ना। आपको किसने मारा बेबी? तुम घबराना मत मामा। आई लव यू पा। आई लव यू टू डार्लिंग। बहुत दर्द हो रहा है। ये सारे अंकल कौन है? तुम्हें अपनी मॉम याद है ना? और मेरी मॉम भी, आज वो दोनों हमसे दूर हैं, और उसकी वजह है ये सारे अंकल्स। इसलिए इन अंकल्स को वहीं भेजना होगा ताकि ये माफी मांग सके। मतलब आपकी मम्मी मेरी मम्मी? क्या इन्होंने सॉरी बोला? नहीं। क्या इन लोगों ने अपनी गलती भी नहीं मानी? मैं इन लोगों को सॉरी बोलने को बोलती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। ठीक है, कर लो। दादाजी, मेरे पापा को सॉरी बोलो। लेकिन काहे बोले? अगर हम मिस्टेक करते हैं तो सॉरी बोलते हैं। अपने बाप पे गई है बिटिया। एक बार हम फिर से गलती दोहराएंगे, फिर एक साथ सॉरी बोल देंगे, तब तो तुम खुश हो जाओगी ना। क्या कहते हो? हटो। दादाजी बहुत अड़ियल है, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ। ओके राजेंद्र। यस सर। हैव फन बेबी। चलो बेटा, तुम्हारा पापा भी इनकी क्लास लेगा। हाईजैक, खत्म कर दो।